बात करते हैं पौड़ी की, जहां पर उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और उनकी पुत्र वधु पौड़ी पहुंचे, जहां पर उन्होंने अंकिता हत्याकांड पर सरकार को जमकर घिरा। उन्होंने यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट और हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य को जांच प्रभावित करने का दोषी ठहराया है। साथ ही उन्होंने एसआईटी की जांच पर भी संदेह जताया है। हरक सिंह रावत ने कहा कि रिजॉर्ट अवैध था, इसके लिए सरकार को पहले से ही इसकी पड़ताल करनी चाहिए थी। पौड़ी से मुकेश बछेरी की रिपोर्ट। तो इस पे सीबीआई की जांच होनी चाहिए, इस पे उन नेताओं के नाम देखे जो भी, केवल उस दिन नहीं, अंकिता के लिए नहीं, कोई भी नेता जिनका जिनके लिए गलत तरीके से हमारी बेटियों का प्रयोग किया जाता था उस रिसोर्ट में, उन सब नेताओं के नाम खोले जाना चाहिए। उनके नेता हो चाहे उद्योगपति हो चाहे जो भी हो, आम आदमी तो जाएगा नहीं वहाँ, गरीब आदमी तो जाएगा नहीं वहाँ, उनके नाम खोले जाने चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार एसआईटी की जांच करवा रही है, मुझे नहीं लगता, और मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ साथ बहुत सारा आज जो यूथ है, जो महिलाएं, किसी को भी नहीं लगता होगा कि एसआईटी की जांच की रिपोर्ट सही आएगी। देखिए, इसलिए नहीं आएगी कि जब आप यहाँ पर इतनी टैम्परिंग कर सकते हैं, तो एसआईटी तो प्रदेश की बनाई हुई कमेटी है, तो क्या गारंटी है कि वो इन पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं।